जा रही है, हमारे यूनिवर्सिटीज के ऊपर थिएटर किसके चलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 283 रुपए में फिर से के इस दूसरे दूसरे सेक्शन से पीछे वाले सेक्शन के स्टूडेंट आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हम लोगों को इस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को बचाने की जरूरत है आज, और इसके लिए हम कोई भी किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस माइनॉरिटी
time starts now. And this convener in past one year. साथियों, इस कैंपस में जब से 9 फरवरी का घटना घटी है, उस 9 फरवरी की घटना घटने के बाद इस कैंपस में एक बहुत ही बुरा वक्त गुजारा गया था। इस कैंपस एक क्राइसिस के दौर में गुजारा था। हम लोगों के जो ऑफिस बेयर्स है, यूनियन के ऑफिस बेयर्स, उनमें से हमारे प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकी यूनियन ऑफिस बेयर्स को इस कैंपस से कुछ दिनों तक के लिए हाइडिंग पे जाना पड़ा था। इस कैंपस में तब जेएनयूएसयू काउंसिल के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी काउंसिलर्स और कन्वेनर्स हैं, उन्होंने पहली बार इस मूवमेंट को लीड करते हुए इस कैंपस के सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे। और हम SIS, SSS, SA और बाकी सारे जो कन्वेनर्स हैं, हम सब लोग एक साथ खड़े रह के इस कैंपस में एक सॉलिड यूनिटी बिल्ड अप किया था। साथियों, इस कैंपस में जिस तरह से पिछले कई महीनों से एक के बाद एक वार्ड चल रहा है, उस वार्ड पे बहुत सारे काम हम लोग कर नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि कुछ सक्सेसफुल डेवलपमेंट्स हम स्कूल लेवल में यूनियन मेंबर्स रहते हुए कर पाए हैं। उसमें कुछ ये है, जब हम लोग स्लोगन्स लगाते हैं, हम एक स्लोगन्स लगाते हैं स्टडी स्ट्रगल का, पढ़ाई लड़ाई का स्लोगन्स लगाते हैं, और उसी के साथ उसी स्पिरिट को रखते हुए हम लोगों का मानना ये है कि जब हम लोगों को जैसे पॉलिटिकल स्ट्रगल लड़ने की जरूरत है, उसी तरह हम लोगों को अपने एकेडमिक स्पेसेस में भी हमारी हिस्सेदारी जतानी पड़ेगी। इसीलिए पहली बार स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में एक जर्नल इंट्रोड्यूस होने वाली है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस इज गोइंग टू गेट अ जर्नल व्हिच विल बी पीयर रिव्यूड एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट देयर रिसर्च वर्क इन द जर्नल। साथियों, जब रोहित वेम्बुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था, तब सारे कैंपसेस में एक सॉलिडारिटी बिल्डअप हुई थी। हम लोग इस कैंपस से एश्योर किए थे कि हम लोग भी इस सोशल जस्टिस के सवाल को उठाएंगे। SIS और SSS कन्वेनर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे प्रोफेसर थोरत भी आए थे। हम लोग थोरत कमिटी के रिकमेंडेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करके एक कैंपस लेवल में इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत किया था। एंड दैट हैपेंड ऑन द सेम डे ऑफ 9 फरवरी। हम स्कूल लेवल में कुछ लीडिंग स्पेसेस क्रिएट करने की कोशिश किए हैं, जिसके बदौलत आज SSS में 2 ओपन लीडिंग स्पेसेस हैं, जो स्टूडेंट्स अवेल कर सकता है। हम लोग जब देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तमाम तरह की जो लीडिंग स्पेसेस हैं, उसको स्कटल करने की कोशिश कर रहा है, लाइब्रेरी को 24/7 नहीं होने दे रहे हैं, तब स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंश्योर दैट रीडिंग स्पेसेस गेट्स ओपन एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम्स एंड एंश्योर देयर रीडिंग स्पेसेस गेट देयर रीडिंग स्पेसेस। साथियों, हम लोग जब जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि पहली बार SSS व्यूअर्स पे एक एजेंडा पास हुआ था कि 45 मिनट मैंडेटरी स्लॉट दिया जाएगा हर एक सेंटर को, और पहली बार स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में सेंटर ओरिएंटेशन के साथ इन कोऑर्डिनेशन विद GSCash कमिटी हम लोगों का ओरिएंटेशन हुआ है। आई कंग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स कम्युनिटी फॉर दिस। After the 9th February incident, why was there such an attack on our university? साथियों, जो attacks हम लोग देख रहे हैं, these attacks are happening at multiple levels. One level, जो separate education, please wind up your answers, your time is over. Can you please wind up your answers? Your time is over.